आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। हिमाचल की जयराम सरकार ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और अपने आधे घंटे के भाषण में नागरिकता संशोधन अधिनियम का बचाव किया। कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमलावर होते हुए कांग्रेस पर अफवाहें फैलाने का आरोप भी लगाया और कैसे मोदी सरकार ने जवानों के लिए क्या क्या किया सब बताया। देश की सुरक्षा का मामला हो, कांग्रेस की सरकार 10 साल चली, सोनिया मनमोहन जी की सरकार चली, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऊप नहीं निकलता था, सीमाओं को खुला छोड़ा हुआ था। मोदी जी की सरकार बनी, पाकिस्तान को लगा कि ऐसे ही चलेगा, मगर उनको मालूम नहीं था एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने गलती कर दी, उरी में हमला किया। वही अमित शाह आर्टिकल 370 पर बोले और उन्होंने कहा कि हम सब बचपन से नारा लगाते थे कि इस देश में 2 निशान 2 प्रधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे, लेकिन वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है। आज तिरंगा कश्मीर में आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ शान से लहरा रहा है। न्यूज़ डेस्क।